सुप्रीम कोर्ट में आज कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले की सुनवाई होनी थी। मामले के याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई टलने के लिए शीर्ष अदालत से आग्रह किया, जिस पर जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धुलिया की पीठ ने नाराजगी जताई और नोटिस जारी कर दिया। पीठ ने कहा, आप लगातार जल्द सुनवाई की मांग करते रहे, अब ऐसा अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम नोटिस जारी कर रहे हैं, अगले हफ्ते सुनवाई होगी। बता दें कि हिजाब बैन मामले पर 15 मार्च को कर्नाटक हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसले में कहा था कि महिलाओं के लिए हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म पहनने का राज्य सरकार का आदेश सही है। साथ ही कोर्ट ने हिजाब को धार्मिक स्वतंत्र के अधिकार के तहत हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए 24 याचिकाएं दाखिल की गई। अब आपको बताते हैं कि किन किन छात्राओं ने ये याचिकाएं दाखिल की है। कर्नाटक के उडुपी की रहने वाली दो छात्राओं मनाल और निबानास के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसके अलावा फातिमा बशूरा, फातिमा सिफत समेत कई छात्राओं ने भी याचिकाएं लगाई है। याचिकाओं में संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के हनन का हवाला दिया गया। याचिकाओं के वकील ने मार्च में ही शीर्ष अदालत से तुरंत सुनवाई करने के लिए निवेदन किया था। इसके लिए उन्होंने कहा था कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हिजाब को अनिवार्य मानने के कारण वे परीक्षाओं में नहीं बैठ पा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को तुरंत सुनवाई के लिए जरूरी नहीं माना था। आखिर 5 महीने बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई तो उसे टालने के लिए आज अनुरोध किया गया। अब अगले सोमवार यानी कि 5 सितंबर को मामले पर सुनवाई होगी। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।